कोरोना संक्रमित मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल रहा है, इस बात को मुद्दा बनाकर छिंदवाड़ा कांग्रेस नेता घनश्याम तिवारी क्वारंटाइन सेंटर में ही अनशन पर बैठ गए। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमितों के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके के संपर्क में आए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और अन्य लोग जिन्हें संक्रमण निकला था वो जुन्नारदेव के वेकोली कानन अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें कुछ क्वारंटाइन थे। इनमें से एक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी धरने पर बैठ गए, जिसके बाद आनंद फानंद में प्रशासनिक टीम धरना समाप्त कराने वेकोली कानन अस्पताल पहुंची, जिसके बाद धरना तो खत्म हो गया, लेकिन जुन्नारदेव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने बीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि बीएमओ ना फोन उठाते हैं, ना ही किसी की मदद के लिए कोई चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराते हैं। हमारे देश में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, उस कोरोना महामारी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिला प्रशासन एवं हमारा जुन्नारदेव का जो प्रशासन है वो कितना बड़ा मजाक कर रहा है। बाहर जनता को कोरोना के नाम पर डराया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे का सच कुछ और है। हम अभी तक ये समझ रहे थे कि शासन प्रशासन कोरोना को लेकर बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन जब हम आज इस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर आए हैं तो यहाँ पर शासन प्रशासन क्वारंटाइन सेंटर के बाहर सड़क पे कुछ और नज़र आता है, और जब इधर साइड हम अंदर जब आते हैं तो यहाँ लोगों की ये तकलीफें हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते बाहर बैठ के। और आपके मन में जो भय बनाया गया, जो प्रचारित किया गया है कि कोरोना के अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो आप लोगों के मन में जो घबराहट आती है, प्रशासन के मन में ऐसी कोई घबराहट नहीं नज़र आती। अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जुझारू योग्य और ऊर्जावान विधायक आदरणीय सुनील उइके जी जन सेवा के कारण जो क्षेत्र में घूम रहे थे, उसी दौरान उन्हें कोरोना का संक्रमण हो गया, और उनके साथ में रहने के कारण ही मैं और मेरे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों ने और उनके स्टाफ ने स्वयं प्रशासन को कहा कि आप हमारी जाँच कीजिए और हमें क्वारंटाइन कीजिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।